मुन्नू तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आज तो शॉपिंग में इतना मजा आया, ओह माय गॉड। सच कहा तुमने तब्बो, इतने सारे ड्रेसेस हमने देखे और खरीदे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हम घर से निकले थे तब तो दोपहर थी और अब शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज वहीं पढ़ ली होगी मार्केट वाली मस्जिद में। शिरीन भाभी, हम तो इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें तो अजान की आवाज सुनाई नहीं दी। जरा हमारे लिए कुछ स्नैक्स लाओ, हम लोग बहुत थक गए हैं। लेकिन शन्नो, वहाँ की मस्जिद की अजान तो लाउड स्पीकर पे होती है। अम्मी जान, आप लोग नमाज कैसे छोड़ देती हैं? वहाँ पढ़ लेना चाहिए था ना। वो लखनवी सूट की दुकान पर जो ड्रेस हमने पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं था। हाँ सच कहा तुमने, वो अम्मी ने उसको इतनी ज्यादा बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताए कि उसे मानना ही पड़ा। कैसे नहीं मानता, हाय अल्लाह में वारी जाओ मेरी बच्ची। लेकिन सौदा तो बड़े घाटे का रहा, नमाज जो गवा दी। अरे यार तुम तो ना बस, कर्जा पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जहीदा आपा। कैसी है आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं तो ठीक हो गई हूँ, क्योंकि शॉपिंग करने जाना था। कैसी पड़ोसन है आप? आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना मगर ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह सच, आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। आइए बैठे। अरे बहू, इनके लिए कुछ लाना। कब की फ्लाइट है? सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होगी ना आपने? आजकल तो कई जगहों पर इसकी तरबियत करवाई जाती है। मम्मी सही है, सबसे पहले जरूरी तो है, मैं जरा शॉपिंग कर रही थी। आखिर अच्छे अच्छे नए कपड़े सिलवाने भी तो जरूरी है, सारे रिश्तेदारों से मिल लूं, वरना वो सब शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। दर्जी को कपड़े देने हैं, सारे रिश्तेदार मेरी दावत की जिद करेंगे। सबसे फुर्सत पा लूं, फ्लेक्सुई से सोचूं कि कहां पर तरबियत की क्लास चलती है। आपा, मैं आपको खास तौर से मुबारकबाद देती हूं। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफी, और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। हाँ जरूर, आप अपनी तरफ से हर मिलने जुलने वालों और पास पड़ोसों को बताते रहिएगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। आपा मैं चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, सबसे पहले हम कुरान का मुताला करेंगे, सब हज की आयात और इब्राहिम अलैहि सलाम, इस्माइल अलैहि सलाम और हाजरा अलैहि सलाम की कुर्बानी का, फिर दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और शन्नू, तुम दोनों अपने ससुराल में बताया कि नहीं कितनी सारी तैयारियां करनी है? आखिर रोज रोज तो कोई जाता है नहीं, खूब जम के तैयारी होनी चाहिए। नए बैग, नए शूज, नया मखना और फिर अरे जरा लिस्ट लाना, चेकलिस्ट। तब्बू जरा चेकलिस्ट लेके आना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी कैसी भाई क्या जल्दी है, मिल लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाए ना कि कब जा रहे हैं, एक हफ्ता पहले आकर मुलाकात कर लेंगे। अम्मी ये रही चेकलिस्ट, मेरे घर वाले तो कहने लगे कि फोन पर ही बात कर लेंगे। अम्मी सच
में ना उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं हैं। मैंने अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की कि कोई गिफ्ट खरीदे आपके लिए, मगर वो लोग तो कहने लगे कि इतना सारा सामान होगा ही आपके पास, ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती है एयरपोर्ट पर, बड़े ही बोर लोग हैं सच में। अरे बच्चियों छोड़ो, जाने दो, मुस्तकबिल में कभी वो जाएंगे तो हम हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे, बस तुम लोग याद रखना। अच्छा तुम्हारे मामू जान को इधर ला। ठीक ही नहीं। मम्मा चलो जल्दी, आज ही वक्त चला जाएगा, कुछ सीख ले। हाँ अम्मी, मैंने कल ही मामू जान को बता दिया था, बहुत ही जल्दी वो भी आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। अम्मी जान मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, हमको अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है और उससे डरना है, दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी मुझे डर है कि अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता। आप हज पर जा रही हैं ना, अल्लाह के लिए उसके रजा के लिए, तो अल्लाह ही को राजी करना और अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह तो हमें इस रिया से बचाए। बेशक जजा और सजा का दारुमदार हमारी नियत पर है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया अमल ही इनाम का मुस्तहिक होगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया अमल रियाकारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन महमूद इब्न लबैद रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لأصحابي ذلك يوم القيامة إذا جاد الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تعبدون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه إمام أحمد في مسنده। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो है शिर्के असगर। लोगों ने पूछा वो क्या है या रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़िया शोइंग ऑफ। कियामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला उन रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। हेलो, हाँ शकीला भाभी, अब कब आ रहे घर पर, आपको नहीं मिलना क्या मुझसे? मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हमारी बात तो सुनिए, हम ओमेगा एंटरटेनमेंट से बोल रहे हैं, हमारी कंपनी केबल कनेक्शन का एक नया ऑफर लेकर आ रही है, आप पहले से भी ज्यादा चैनल्स देख सकती है अपने टीवी पर, मो म्यूजिक मो फन। अस्तग़फिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ, दोबारा फोन मत कीजिएगा। लो कर लो बात, अब टीवी म्यूजिक किसको चाहिए। अम्मी किसका फोन था? मैंने सोचा तुम्हारे मायके से फोन आएगा, तुम्हें ने खबर की कि नहीं? हाँ अम्मी जान, मैंने उन्हें इत्तला की है, जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपको तरबियत वाले सेंटर्स के एड्रेसेस भी देंगे। और कहाँ तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है। तुम्हें काम करो, दर्जी से कहो कि ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे और पहले ही बता देना कि हज का मामला है, इसीलिए हमारे कपड़ों को सबसे पहले तरजीह दे। जी अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा अप्पा। आइए। अस्सलामुअलैकुम नसीमा अप्पा। वालेकुम अस्सलाम। देखिए हम सबको खुशखबरी मिल गई। आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा अप्पा। आइए। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा अप्पा। आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा अप्पा। अस्सलामुअलैकुम नसीमा अप्पा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तब्बू जरा फोन तो उठाना। जी अम्मी।
भाईजान, आप कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अम्मी, भाईजान का फोन था, कह रहे थे कि वीजा नहीं मिला और इस साल मिल ही नहीं सकता क्योंकि कोटा खत्म हो चुका है और फिर सारी फ्लाइट्स भी फुल हो चुकी हैं और अब नामुमकिन है। अब उनसे कहिए कुछ करें। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर भी इस तरह ना उम्मीद नहीं होते, इंशा अल्लाह अगले साल आपको वीजा जरूर मिल जाएगा। अब इतने सारे लोगों को जमा कर दिया और बेइज्जती हो गई। कौन है जिसका आप में नहीं कहा होगा कि हम जा रहे हैं हज के लिए, और हम उन्हें किस मुंह से कहेंगे? काश हमने सादगी इख्तियार की होती, काश हमने रियाकारी ना की होती, काश हमने सारे मराहिल में कामयाब होने की दुआ की होती। काश मैंने मेरे बच्चे की बात सुनी होती। मुनव्वरा, मुन्नू, तुम ठीक कह रही थी, मुझे अल्लाह से दुआ करना चाहिए था और डरना। या रब तुम मुझे माफ कर दे। या रब काश मैंने पहले से ही अपनी तवज्जो हज के अरकान सीखने में लगाई होती और अल्लाह सुबहान व तआला से खूब सारी दुआ की होती। या रब तुम मुझे माफ कर दे। अम्मी, अल्लाह गफूर रहीम है, वो आपको जरूर माफ करेगा। अगले साल आप खुलूस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए हज करें, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।